हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 10th का हम मैथ्स कर रहे हैं और हम देखिए एक नए चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए हमने पहले इस चैप्टर को पिक किया है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझेंगे, क्योंकि 10th में तो काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये चैप्टर। अगली क्लास में जाएंगे जब आप, ठीक है, कक्षा 11 में जाएंगे, तब भी ये जो चैप्टर है एज इट इज ये तो आएगा ही, थोड़ी ही एडवांस चीजें भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। इसीलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है, चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर भी है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए पहले हमने इस चैप्टर को पिक किया है। तो बच्चों, हम बेसिक चीजें करेंगे सबसे पहले, इसमें कुछ बेसिक चीजें पढ़ के उसके बाद उसके आधार पे क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन। इस तरह से आपको जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में भी आ जाएंगे और उसके बेस पे अगर क्वेश्चन आप कर पाए तो क्वेश्चंस आप याद नहीं करने पड़ेंगे कभी भी, उनके सॉल्यूशंस आपको खुद ब खुद आते जाएंगे। इसीलिए हमारा यही रहता है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे। जितने कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग होंगे क्वेश्चंस करने में उतनी ही आसानी रहेगी। उसके बाद तो चाहे बुक के बाहर से भी आपके क्वेश्चन आ जाएं, आप इजीली कर पाएंगे। इसीलिए बच्चों, ये जरूरी है कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें घर पे भी, जो यहाँ पे होते हैं। तो बच्चों चलिए चलते हैं और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे a इज इक्वल टू ए वन, मतलब a और ए वन एक ही चीज है, इसको हम फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद बोलते हैं। फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद हो गया ये। उसके बाद अंतिम पद आता है, क्या आता है, अंतिम पद। अंतिम पद यानी लास्ट टर्म, ठीक है, ये हो गई लास्ट टर्म। और क्या आता है इसके बाद, देखिए कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इसके बाद क्या आता है, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वांतर। फर्स्ट टर्म को ए से और लास्ट टर्म को एल से, ठीक है, या फिर ए एन से। और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू ए फोर माइनस ए थ्री, और ऐसे ही सब इक्वल होंगे सारे टर्म्स के बीच का डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए, हमने ये ए एन और एस एन का फॉर्मूला भी पढ़ा है, लेकिन हम ये अगली एक्सरसाइज में लागू करेंगे। इसीलिए बस एक बेसिक चीज है ये, आप देख लीजिए ताकि थोड़ा आइडिया रहे आपको। अब क्या करना है हमें, अब क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। अब देखिए, ये इस टाइप का क्वेश्चंस आप कर चुके हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपको बताने हैं फॉर द फॉलोइंग एपी,
बच्चों, ये है क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कि भाई जो एपी आपको गिवन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे फर्स्ट पार्ट में 3, उसके बाद 1, उसके बाद -1, -3 एंड सो ऑन। ये क्या है, एक एपी बन जाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या बताना है कि जो फर्स्ट टर्म प्रथम पद होगा वो कौन सा होगा, यानी A1 या फिर A क्या होगा और D क्या होगा, ये चीज आपको बताने हैं चारों पार्ट्स में। नोट डाउन कीजिए, इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर्स बताइए आप चारों पार्ट के। देखिए स्टूडेंट्स, इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं हम, अब साथ में इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट टर्म तो आपको देखते ही पता लग जाएगी कि जो सबसे पहले स्थान पे आती है वो हो गई फर्स्ट टर्म, दूसरे स्थान पे आती है वो दूसरी टर्म, तीसरे स्थान पे थर्ड टर्म, चौथे स्थान पे फोर्थ टर्म, एंड ऐसे अप नंबरिंग करते रहेंगे। तो फर्स्ट टर्म यानी ए हो गई यहाँ पे 3, इस पे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी हमें। लेकिन अगर हमें कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। हमें पता है कि ये AP है, इसीलिए हमें A2 माइनस A1 से ही काम चल जाएगा। अगर हमें चेक करना होता कि क्या ये एक AP है, तब हमें चेक करना पड़ता कि जो इनके टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस सेम है, कॉमन है। अगर कॉमन होता तो वो AP होती, लेकिन यहाँ पे पता है, इसीलिए हम कुछ नहीं करेंगे। हम सिर्फ चेक करेंगे 1 माइनस 3 क्या है, 1 माइनस 3 कितना हो जाता है, -2। तो जो कॉमन डिफरेंस डी है वो -2 यहाँ पे आएगा, कितना आएगा, -2 आएगा। तो हम क्या करते हैं एपी बनाने के लिए, देखिए फर्स्ट टर्म है 3, कोई भी एपी बना सकते हैं आप पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस की मदद से। अब 3 में -2 ऐड कर दिया तो 1 आ गया, 1 में -2 ऐड कर दिया तो -1 आ गया, -1 में -2 ऐड कर दिया तो -3 आ गया, -3 में -2 ऐड कर दिया तो -5 आ जाएगा, एंड सो ऑन। देखिए ये एक हमारी एपी बन गई सिर्फ ए और डी की मदद से। तो यही वाली एपी आई है सामने, ये क्रॉस चेक करके देखा है हमने कि क्या हमारे आंसर सही हैं। आप भी कर सकते हैं क्रॉस चेक अगर आपके पास इनफ समय रहता है एग्जाम्स में। तो देखिए फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है, बस यही तरीका है, सिमिलर पैटर्न से आप सारे क्वेश्चन से कर लेंगे। देखिए सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है, होमवर्क में कर सकते हैं। थर्ड पार्ट देखिए थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि इसमें जो आपको टर्म्स दी हैं वो फ्रैक्शन में दी हैं, लेकिन उसमें भी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो जो आपको दी है वही रहेगी। डी क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, और A2 कितना है, A2 है 5/3 -1/3, और ये आ जाता है 4/3। तो डी कितना आ गया हमारे पास, 4/3, दैट इज इट। नोट डाउन कर लीजिए, ये कॉमन डिफरेंस है। अब फोर्थ पार्ट देखिए, यहाँ पे ए हमें पता है 0.6, जो पहली टर्म होगी वो ए होगा। अब हमें डी चाहिए, डी कितना आ जाता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, और A2 यहाँ पे है 1.7 और ये है 0.6। दोनों को माइनस कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 1.7 एंड 0.6, 7 माइनस 6 एक बच गया, डेसिमल एज इट इज 1 माइनस 0 1, तो ये आ गया 1.1 आपका आंसर। नोट डाउन कर लीजिए, हमारे पास ए और कॉमन डिफरेंस टी यहां पे आ चुका है। तो स्टूडेंट सबने कर लिया नोट डाउन। देखिए अगला सवाल भी आप कर सकते हैं,
तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन हैं, आप साथ साथ इनको नोट डाउन भी करते जाया करें, ठीक है, क्वेश्चंस को, तभी आप अब सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैंने बताया था ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं आपके सामने जिसमें आपको चेक करना होता है कि क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे भाई, कॉमन डिफरेंस का पता लगा के। अगर इनकी टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस होगा, जैसे A1 और A2, A2 और A3, A3 A4, इन सब के बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन होगा तो ये AP होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो चेक करके बता दीजिए, और अगर ये AP है तो अगले 3 टर्म्स भी आपको लिखनी है। नोट डाउन करके जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स चेक करते हैं अब इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है। डी होता है A2 - A1, ठीक है, A2 - A1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यही चेक करते हैं कि A2 - A1 कितना आता है। A2 है 4, A1 है 2, 4 - 2 2 आ गया, क्लियर है। इसी तरह आप चेक करेंगे A3 - A2, ये कितना होगा भाई, A3 है 8, 8 - 4 ये आ गया 4। तो आप देख सकते हैं कि जो इनका डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है, है ना। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2, ठीक है, देयर फोर इट इज नॉट NAP। बस, और अगर AP नहीं है तो next 3 terms क्या लिखेंगे हम। अगर ये AP है तभी 3 terms लिखेंगे और इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। लेकिन दिस इज नॉट एन AP, क्यों, क्योंकि इनका A2 - A1 और A3 - A2 ही अलग अलग है। अब देखिए ये AP नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या पता अगला हो। चेक करते हैं A2 - A1 कितना है, यहाँ पे A2 है 5 - 2 - 2, A1 हो गया, चलिए 2, यहाँ पे LCM आ गया 5 - 4 ये आ गया 1/2, A2 - A1 आ गया 1/2। अब A3 - A2 निकाल के देखिए, A3 कितना है 3 - 5/2, ये A2 हो गया, तो 2 यहाँ पे LCM आ गया, 6 - 5 = 1/2। तो देखिए A2 - A1 और A3 - A2 इक्वल है, ठीक है। आप लिखेंगे बिकॉज D = A2 - A1 = A3 - A2 = 1/2। तो हमने D भी निकाल दिया, बिकॉज देखो हम AP, तो हमारा D क्या होगा, 1/2 होगा। तो आप लिखेंगे इट इज एन AP, और इसकी next 3 terms क्या होंगी, अगले 3 terms के लिए देखिए हमें 7/2 में 1/2 ऐड करना पड़ेगा। 7/2 + 1/2 कितना आ जाता है, 7/2 + 1/2 ये हो गया 8/2, कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा, अगली टर्म हो जाएगी 4। उसके बाद 4 में 1 + 2 ऐड करके देखिए, 4 + 1/2 ये कितना हो जाएगा, 8 + 1 = 9/2, 9/2, ठीक है। फिर क्या आ गया, 5 आ जाएगा, और ये ऐसे आप अगली 3 टर्म यहाँ पे लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो अगली 3 टर्म्स क्या हो जाएंगी, नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर 4, 9/2, 5, ये next 3 terms हो गए। इसी तरह से जो थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है वो भी आपको इजीली चेक कर सकते हैं, लेकिन ये आपको होमवर्क में करने होंगे। अगर हमने 2 पार्ट किए हैं तो अगले 2 पार्ट सेम तरीके से, सेम मेथड से होंगे, होमवर्क में करके देख लेंगे।
तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, ये हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये प्रीवियस सेशन में ही कर लिए थे इनके। उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से आपने इनको समझा है, नोट डाउन भी साथ साथ कर रहे हैं, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवाए जा रहे हैं होमवर्क में भी वैसे ही प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए इनकी और कहीं आप भूले ना या फिर माइंड से स्किप ना हो कोई चीज़। तो प्रैक्टिस जरूर करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।